अब हुआ इंतज़ार ख़त्म, अब बिहार का भी लड़का इंडिया खेलेगा, अब बिहार का भी लड़का सचिन धोनी तेंदुलकर बनेगा। तो गाइस आप लोग को बता दें कि ये बिहार में राजगीर इंटरनेशनल स्टेडियम बन रहा है, जो कि बहुत ही बड़ा है, 90 एकड़, यानी कि आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा ग्राउंड होगा। 90 एकड़ में ज़मीन में ये स्टेडियम बन रहा है और 2022 तक ये कम्प्लीट हो जाएगा। नीतीश कुमार ने ये 12 अक्टूबर 2018 में घोषणा कर दिया था। तो चलिए आप लोग को दिखलाते हैं वहाँ का कुछ क्लोज व्यू और सिनेमैटिक्स व्यू। तो यहाँ एक बोर्ड है, आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर लिखा हुआ श्री नीतीश कुमार के कार कमलों द्वारा दिनांक 12 अक्टूबर 2018 को राज्य खेल अकादमी एवं अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम राजगीर की। तो गाइस चलते हैं अंदर, आपको अंदर का व्यू दिखलाते हैं, स्ट्रक्चर वगैरह, और आपको इसके बारे में कुछ बताते हैं। जैसे कि जानकारी के हिसाब से पता चला है कि पूरा 90 एकड़ में ये पूरा स्टेडियम बन रहा है। इसका लागत लगा है 633 करोड़, जिसमें आपको केवल क्रिकेट ही नहीं होगा बल्कि बैडमिंटन, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, फुटबॉल, एटलीस्ट 5 या 6 इंटरनेशनल गेम होगा यहाँ पर। तो हम बिहार के जनताओं के लिए कितना फख्र की बात है कि गाइस बिहार में भी इंटरनेशनल स्टेडियम बन रहा है, और जो खिलाड़ी हैं, जो स्पोर्ट्स प्लेयर हैं, उनको बाहर ना जाना पड़ेगा और यहीं पर वो लोग आकर प्रैक्टिस कर सकते। और किसी अन्य स्टेडियम से इसका कंपेयर किया जाए तो ये किसी स्टेडियम से कम नहीं है, क्योंकि इस स्टेडियम में भी 40,000 से ज़्यादा सीट है, 40,000 से ज़्यादा जनता यहाँ पर आकर मैच देख सकते हैं। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि कितना बड़ा स्टेडियम ये होने वाला। देख रहे हैं आप लोग, ये दिख रहा होगा बिल्डिंग, इसी सब में से कोई, मतलब कोई इसमें बनेगा बैडमिंटन, कोई वॉलीबॉल, इसी सब में से अभी तो पता नहीं चल रहा है, लेकिन आने वाला टाइम में पता चल जाएगा। जब ये बनकर तैयार हो जाएगा तो आप लोग को बहुत अच्छे से पता चल जाएगा, लेकिन अभी हम लोग केवल स्ट्रक्चर का सीन दिखला रहे हैं अच्छा से। आप लोग एंजॉय कीजिए और देखिए। सो भाई जितना भी है सब अभी बन रहा है, डूड जितना भी है अभी सब बन रहा है, अभी सारा आधा बना है और 2022 तक कम्प्लीट हो जाएगा आई थिंक। तो हम अंदर का व्यू कवर किए गए। अमूमन किसी को अंदर आने की मिलता नहीं है, बट हम बहुत परमिशन लेने के बाद हम अंदर आए और अंदर का थोड़ा व्यू कवर किए गाइस। सो आई होप कि आपको अच्छा लगा हो वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा गाइस, इससे मोटिवेशन मिलता है ताकि और भी हम ऐसा ऐसा इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहे गाइस। सो धन्यवाद फॉर वॉचिंग गाइस, और भी कुछ देखिए, कुछ ड्रोन का सीन। ये है मेन गेट, एंट्री गेट, प्लेयर एंट्रिंग गेट, सर्कल में हम लोग पूरा ये देख रहा है, इधर से मेन गेट है गाइस, इधर ही से प्लेयर एंट्री करेगा और यही मेन गेट है। तो कैसा लगा आपको वीडियो? अगर अच्छा लगे गाइस तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ताकि और भी ऐसा सा वीडियो हम लाते रहेंगे गाइस। तो आपको कुछ ये तो आपको ऐसा अंदर से दिख रहा है गाइस, तो कुछ आपको हम ऊपर से वीडियो दिखलाते हैं ड्रोन का। चलिए स्टार्ट करते हैं ड्रोन वाला वीडियोस गाइस। तो गाइस एक बार इसका ड्रोन शॉट देखिए गाइस, कितना अच्छा लग रहा है। अगर ये बन जाएगा तो उसके बाद कैसा ये लगेगा। तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री ने बताया था कि BCCI के राय से ये स्टेडियम बनाया गया है, और BCCI ने कहा है कि यहाँ पर इंटरनेशनल गेम होगा। तो गाइस